हाय गाइस, मैं करने जा रही थी अपना करवा चौथ मेकअप लुक। तो मैंने किया पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज इस एलो जेल से। ये जेल नहीं है, एक्चुअली एलो का मॉइस्चराइजर है। उससे किया मैंने अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो स्किन भी थोड़ी ड्राई हो रही है। इसको अच्छे से लगाने के बाद फिर लगाया मैंने अपना फाउंडेशन, जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में था। ज़्यादा क्वांटिटी में अच्छा नहीं लगता है, आपका मेकअप केकी केकी हो जाता है और फटाफटा सा लगने लगता है। तो इससे जितना कम फाउंडेशन लगाएंगे उतना ही लॉन्ग लास्टिंग आपका बेस होगा। इसको अच्छे से मैंने आज फिंगर से ही सेट कर लिया था। और ये फिर मैंने आईब्रो पेंसिल से अपनी आईब्रो को सेट कर लिया। ये स्पूली से, ये स्पूली थी इसके पीछे, तो उससे भी बालों को अच्छे से सेट किया मैंने। और ये लगाया फिर मैंने अपना लिप लाइनर। मेरे मेकअप का जो पार्ट है वो मेरा लिप लाइनर है, क्योंकि लिप लाइनर से ही जो लिपस्टिक का शेप है वो प्रॉपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा इन्हेंस हो जाता है गाइस। तो मैं हमेशा पहले लिप लाइनर लगाती हूँ, उसके बाद ही लिपस्टिक लगाती हूँ। और लिप लाइनर मेरा थोड़ा सा लिपस्टिक से डार्क ही होता है ताकि वो दिखे। उसके बाद ये काजल लगाया, जो कि शायद नहीं लग रहा था, ड्राई हो गया था, तो फिर मैंने दूसरा काजल लगाया। ये काजल सिर्फ 50 रुपीज़ का है, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये। एक ही स्वाइप में लग जाता है बहुत अच्छे से। उसके बाद ये ली लिपस्टिक और इसी से मैंने ब्लश लगाया। इसका शेड बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, ये न्यू लिपस्टिक है। तब मुझे पता नहीं था कि ये इतना अच्छा शेड लगेगा, क्योंकि दिखने में ये सिर्फ रेड ही लग रहा था, बट लगाने में थोड़ा सा ऑरेंज आ रहा था। इसमें ऑरेंज और रेड का मिक्स था, बहुत ही प्यारा शेड था ये। तो मैंने इसी से ब्लश लगा लिया बिल्कुल हल्का सा। उसके बाद ये लिपस्टिक लगाई मैंने, प्यारा लग रहा था शेड ये। मोस्टली तो मैं पिंक पीच लाइट शेड ही लगाती हूँ, बट आज मैंने सोचा थोड़ा डार्क लगाते हैं, क्योंकि मेरी ड्रेस थोड़ी सी लाइट थी, तो फिर मैंने डार्क शेड ही चूज किया। बट ये लगाने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाद मैंने दूसरी लिपस्टिक ली और उससे मैंने आई शेडो लगा लिया, हल्का सा पीच कलर था ये, बिल्कुल लाइट पीच था। और उसके बाद ये पहना मैंने अपना मंगलसूत्र। ये इयररिंग्स बहुत ही प्यारे लग रहे थे और मेरी ड्रेस से बिल्कुल मैच कर रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे ये। बेंदी भी थी इसके साथ में, तो मैंने वो भी लगा ली। मैंने कहा लगा लेते हैं, और बाल हमेशा खुले तो हमेशा ही रहते हैं, तो मैंने सोचा आज चोटी बना के देखते हैं, थोड़ा नया लुक होगा। एक्चुअली पंजाबी लुक लग रहा था, बहुत ही प्यारा लुक लग रहा था, तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा ये। और ये लगा लिया मैंने हेयर पिन, जो कि थोड़ा सा लगाने में दिक्कत दे रहा था वो, बट फिर वो सेट हो गया था बाद में। और ये था फाइनल लुक, सिंदूर भूल गई थी लास्ट में लगाया मैंने बेंदी लगाने के बाद। और ये प्यारे से कंगन, मुझे चूड़ियाँ उड़ियाँ थोड़ी कम पसंद आती हैं पर्सनली, थोड़ा हैवी हैवी फील होता है, तो फिर मैंने ये पर्ल के कंगन पहने, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। और ये लगाई मैंने बिंदी, मेरे नेल्स ये वाला टूट गया थंब का, तो वो बिंदी अच्छे से लग नहीं रही थी, तो 2-3 बार ट्राई करने के बाद वो लग गई। और ये रहा मेरा फाइनल लुक।